हाँ फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। आपको बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। मैं फिर से लाया हूँ रीजनिंग का, CHSL SSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है CHSL का, उसका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, 11 का जो रिलेशन 110 से है, वही 15 का रिलेशन किससे होगा। यानी कि हमको यहाँ पे ये दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करके, जैसा रिलेशन ये दोनों में रहेगा वैसा ही 15 का रिलेशन ढूंढना है। तो पहले हम ये समझें कि अच्छा 11 यहाँ 110 है, तो 11 से 10 में गुना किया तो 110 हुआ, उसी तरह से 15 में 10 से गुना किया तो 150। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है लॉजिकली हम लोग लॉजिक गलत लगा रहे हैं। कुछ और सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं 11 में 10 से गुना किया तो 110, और 10 होता है इससे एक कम, यानी कि 15 है और इससे एक कम करेंगे तो होगा 14, और 15 में 14 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 15 कम 15, तो 210 आंसर होगा। तो 210 ऑप्शन मिल गया, इसका मतलब है कि ये लॉजिकली सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हैप्पी का जो रिलेशन डिशमेल से है, मतलब कि प्रसन्न का खुशी, और निराशजनक का मतलब होता है निराशा, निराश होना, यानी कि ये दोनों में अपोजिट का रिलेशन है, उसी तरह से गर्व यानी कि प्राउड का अपोजिट क्या होगा। तो सिंपल, आपको कुछ भी दे सकता है रिलेशन रीजनिंग में, अपोजिट यानी कि कुछ इस दोनों में जैसा रिलेशन है वैसा ही इसमें भी फाइंड आउट करना है। तो प्राउड का जो अपोजिट होता है वो होता है हम्बल, नहीं पता होगा तो देख लीजिए, प्राउड का होता है हम्बल, ग्रव का होता है नर्म, यानी कि बहुत गर्व होता है लेकिन ये होता है नर्म, उसका इंग्लिश होता है हम्बल। तो ये दोनों में अपोजिट का रिलेशन था, तो उसी तरह से इसका अपोजिट चुन लिए, तो राइट आंसर हम्बल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये अबस्ट्रक्शनिस्ट में से कौन नहीं बनाया जा सकता है। जी हाँ, देख लीजिए यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाने वाले में हम बताए होंगे पीछे वाला सेट में कि नहीं बनाने वाले केस में हमें ये देखा जाता है कि इसमें से कौन नहीं बना जा सकता। तो एट्रैक्शन तो बनाया जा सकता है, ये है डबल टी आर ए सी टी आई ओ एन, ये भी बनाया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन नहीं बनाया जा सकता है, कारण क्या कि इंस्ट्रक्शन में यू आया है और यहाँ पे यू है ही नहीं, तो ये इससे इंस्ट्रक्शन को नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिगर को फुलफिल करना है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सटीक आएगा जो फुलफिल हो जाएगा, यानी कि फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे इसको कंप्लीट करने के लिए जी हाँ बिल्कुल ऐसे चाहिए, ऐसे करके कुछ, और यहाँ से ऐसे चाहिए, और बीच में गोला चाहिए, और ये वाला ऐसे पार्ट चाहिए। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए वैसा कौन है, ये तो अर्धवृत्ताकार है, ये भी सब अर्धवृत्ताकार है, यहाँ पे अर्धवृत्ताकार हमें नहीं चाहिए, बशर्ते बाहर में ऐसे ऐसे चाहिए। तो बाहर में ऐसे ऐसे वाला एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो ये बिल्कुल नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें फिगर वाला ही दिया जाता है क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन फिगर वाले रह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फिगर को कंप्लीट, कौन सा ऑप्शन रहेगा जो फिगर कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे बैठेगा, तो फिगर फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फोल्डिंग वाला, पेपर फोल्डिंग वाले केस में, इसमें पहले ऐसे मोड़ा गया है, तो इसको खोलेंगे जब तो ऐसे खोलेंगे, मतलब एक और यहाँ पे बिंदु आएगा और कॉर्नर पे ऐसे कटेगा, और इसी को फिर दोबारा से ऐसे खोलेंगे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ खोलेंगे तो यहाँ छिद्र होगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे होगा, और ये वाला जस्ट अपोजिट यहाँ होगा और यहाँ होगा और कॉर्नर पे कटेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पे कटा हुआ है। तो जैसे इसको खोलेंगे तो ये दिखेगा किस तरह का ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर तीसरा के जैसा दिखेगा, मीन्स दैट ये कागज फोल्डिंग को हम लोग दोबारा से खोलेंगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा के जैसा दिखेगा। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जब कागज को फोल्ड करके छिद्र करेंगे, जैसे छिद्र किया हुआ रहता है, दिया हुआ रहेगा, उसको फिर बैक साइड से जैसे जैसे मोड़ा हुआ उसको दोबारा से वैसे खोलेंगे तो फाइनली कैसा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल में कौन सा वेन डायग्राम सही है। तो आपको पता होना चाहिए कार और मोटरसाइकिल ये तो गाड़ी हो गया अलग अलग, और जितने भी गाड़ियां हैं चाहे रिक्शा हो साइकिल हो वो सब ऑटोमोबाइल में आता है। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है
कि जो हम लोग को यात्रा करने का साधन हो, चाहे बस हो, ट्रेन हो, सब हो जाता है ऑटोमोबाइल में। लेकिन ऑटोमोबाइल का भी अलग अलग साधन है, साइकिल, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, तो यही हो गया। तो कहने का मतलब है कि कार और मोटरसाइकिल दोनों अलग अलग केस है, लेकिन दोनों किस में है, तो ऑटोमोबाइल में है। ऑटोमोबाइल उसको कहा जाता है जो यात्रा करने के साधन हो, यात्रा करने के साधन चाहे कुछ भी हो उसको बोला जाता है ऑटोमोबाइल। तो ये तो दोनों यात्रा करने का साधन है जिसमें कोई रिलेशन नहीं, कार अलग है, मोटरसाइकिल अलग है, और दोनों ऑटोमोबाइल में, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टेटमेंट रीजन का क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट रीजन के क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और स्टेटमेंट में जो रहता है उसको हम लोग बिल्कुल सही मानते हैं। मतलब कि पढ़ा जाए स्टेटमेंट, उत्तर कोरिया द्वारा हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण अमेरिका और उसके सहयोगी देश के लिए खतरा है। इसमें कथन को हमेशा सही मानना रहता है। उत्तर कोरिया द्वारा जो हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया गया उसके सहयोगी देश के लिए खतरा है, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार अच्छा से ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए भी कि स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि जितना भी इसका इस तरह का क्वेश्चन है सब घूरते रहता है स्टेटमेंट पे। तो स्टेटमेंट में बोला कि उत्तर कोरिया द्वारा जो बम का, परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया सहयोगी देश के लिए खतरा है। अब इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या क्या निकल सकता है। निष्कर्ष नंबर वन, ये बोल रहा है कि उत्तर कोरिया निकट भविष्य में अमेरिका और उसके सहयोगी के लिए वृद्ध युद्ध की घोषणा करेगा। अब देखिए, अगर हमको ये कोई बोल रहा है कि जो परमाणु बम का बगल वाले देश में परीक्षण किया गया, तो दूसरे उसके अगल बगल वाले पड़ोसी देश को खतरनाक है, खतरा बना रहेगा। लेकिन ये भी तो नहीं ना है कि वह देश जो परमाणु बम बनाया, सफल परीक्षण हो गया, अब बगल वाले देश के लिए युद्ध के लिए ललकारेगा, ऐसा भी तो नहीं है। तो ये निष्कर्ष गलत है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे ये साबित हो रहा है कि वो अब दूसरे वाले पड़ोसी देश को ललकारेगा, युद्ध करने के लिए घोषणा करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो निष्कर्ष नंबर वन गलत हो जाएगा। निष्कर्ष तभी सही करना है जब कंफर्म एकदम बिल्कुल सही हो, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निष्कर्ष नंबर टू है, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को उत्तर कोरिया द्वारा हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण की घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल उसके परमाणु शस्त्रों की वृद्धि मात्र है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश को उत्तर कोरिया द्वारा जो बम का सफल परीक्षण किया गया उसको घबराने का जरूरत नहीं है, जबकि उसमें क्या बोला गया कि खतरे का भय बना रहेगा, खतरे का भय, और यहाँ पे बोल रहा है घबराने का जरूरत नहीं है। तो हम अभी क्या बोले, स्टेटमेंट को बिल्कुल सही मानना है चाहे कुछ भी हो। तो स्टेटमेंट में तो बोला गया कि खतरा बनने का चांस है, और यहाँ बोल रहा है कि घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे दिख रहा है कि हम निष्कर्ष में उल्टा कुछ बोला है, तो उल्टा कुछ बोला मतलब निष्कर्ष टू भी गलत। तो यहाँ देख पा रहे होंगे निष्कर्ष वन और टू दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, न तो वन और न ही टू अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, नाइदर वन नाइदर टू। नेक्स्ट देखिए, फिर से वेन डायग्राम है, नाइट्रोजन, वायु और बर्फ। आप कुछ भी बोले तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जितने भी गैसेस हैं वो कहीं ना कहीं एयर में गिने जाते हैं, हवा में गिने जाते हैं। हवा में इसलिए बोल सकते हैं कि हवा क्या है, तो मिश्रित गैसों का एक मंडल है जिसको वायु बोलते हैं। यानी कि वायु में बहुत सारे गैसेस उपलब्ध होते हैं, तो सभी गैसों को तो हम लोग वायु के श्रेणी में रख सकते हैं। मतलब कि जितने भी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह जितने भी गैसेस हैं वो होंगे वायु के अंदर। लेकिन ये बर्फ जो है इन लोगों से अलग है, मतलब कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ये अंदर वाला नाइट्रोजन, उसके बाहर वाला वायु, और ये हो जाएगा बर्फ। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वेन डायग्राम सही है। नेक्स्ट बोला गया कि डिक्शनरी में अगर अरेंजमेंट किया जाए, डिक्शनरी में अरेंजमेंट किया जाए तो सबसे पहले कौन मिलेगा, उसके बाद कौन मिलेगा, उसके बाद कौन मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे सब चीज़ में किस में कॉमन है, तो मैन, यहाँ मैन है, यहाँ मैन है, यहाँ मैन है, उसके बाद यहाँ पे आई है, और यहाँ पे मैनेजमेंट है, मैनुफैक्चर है, मैनर है। तो मैनेजमेंट है तो मैन एन आया है, सो एम ए एम ए एम ए, तो सब में कॉमन है, तीसरा वाला में आई है। तो आई वाला और एन वाला तीसरा नंबर में, बाकी सब में एन है और यहाँ पे आई है, तो डिक्शनरी में तो पहले आई मिलेगा, तो यहाँ सबसे पहले तीसरा नंबर सही होना चाहिए। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन दोनों में तीन तीन से शुरुआत है। अंत में देखते हैं कि अंत में कौन होगा, तो सब में तो ए मैन 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 है। अब यहाँ चौथा नंबर पे ए है, चौथा नंबर पे यू है, और यहाँ पे एन है,
तो सबसे लास्ट में होगा, सबसे फर्स्ट में तो ये होगा इन तीनों में ए एन फिर यू, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सबसे लास्ट होगा और सबसे शुरुआत होगा तीसरा से। तो बिल्कुल डिक्शनरी का क्वेश्चन है कि चारों में से कौन सबसे मिलेगा, कौन उसके बाद को मिलेगा, उसके बाद को मिलेगा। तो हम ये ऑप्शन से देखते हैं और हमेशा आपको भी सलाह देते हैं कि एक नज़र ऑप्शन भी देखिए, देखा कीजिए। बहुत चीज़ें टाइम टेकन, मतलब कि बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बहुत कम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकृति पर आधारित बोल रहा है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज इसका कौन सा सही होगा, यहाँ नीचे दर्पण दिया गया है तो हम जान रहे हैं कि जब नीचे दर्पण दिया गया है तो इसका उल्टा इमेज बनेगा, मतलब ऊपर वाला पोजीशन नीचे दिखेगा और नीचे वाला ऊपर दिखेगा। तो ये ऐसा है, तो पहला बात ये ऐसा है तो यहाँ से दिखेगा ऐसा, मतलब कि ये वाला ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, तो दूसरा तो पहले गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे गोला जो है, एक गोला में एक कोन लगा हुआ है और एक भुजा से टिका हुआ है, तो इसको जब पलटेंगे तो लेफ्ट साइड वाला कोन से टिकेगा और राइट साइड वाला भुजा से टिकेगा, मतलब ये दोनों तो ठीक लग रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों जो है ये गोला जो, पहला बात कि गोला जो है इसके मुंडी से टिका हुआ है, तो ये गोला इसके मुंडी से टिक गया, ये गोला तो इसके मुंडी से बाहर है तो ये भी गलत हो गया, ये गोला इसके मुंडी से टिका हुआ है, लेकिन लेफ्ट वाले में तो बनेगा कौन से टिका हुआ है, कौन से सटा हुआ है ये गोला, यहाँ तो भुजा से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे उल्टा दिया है, ऑप्शन नंबर वन सही होगा। इसका मिरर इमेज चुनना था कि अगर इसको किसी मिरर के नीचे दिखाया जाए, मिरर के सामने रखा जाए इसको, तो कैसा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर वन सही होगा। नेक्स्ट है, ये फिगरली है, नॉन वर्बली है क्वेश्चन, लेकिन इसमें ये बोला जा रहा है ना कि जब इससे ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, तो अगला क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक था और इसी में एक और जुड़ गया, बन गया दो, फिर एक और बन गया तीन, तो एक और अगला अब की मर्तबे में जुड़ेंगे तो बनेगा चार, तो ऐसा चार किस में है, ऑप्शन नंबर चौथा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो चलिए स्टेटमेंट में जो भी दिया हुआ बात है उसको बिल्कुल सही मानना है। पहला बोल रहे हैं स्टेटमेंट का, सभी गुलाब पीले हैं, तो सभी गुलाब, ये हो गया गुलाब और ये हो गए पीले, सभी गुलाब पीले हैं। नेक्स्ट है कुछ गुलाब फूल हैं, कुछ गुलाब फूल हैं, तो ऐसे भी हो सकते हैं फूल पी एच, या फिर इसको टच भी कर सकते हैं फूल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ गुलाब पीले हैं, कुछ गुलाब पीले हैं। अब देखिए कुछ गुलाब पीले, तो जब किसी एक के अंदर एक होता है तो कुछ वाले मामले में तो सही हो जाते हैं। सभी गुलाब पीले हैं, तो यहाँ पे कुछ गुलाब पीले भी हो सकते हैं, कुछ पीले गुलाब भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों बातें सही होता है, तो ऑप्शन नंबर वन सही है। अगर आप स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले थ्योरी पढ़े होंगे तो जब एक के अंदर एक रहता है तो कुछ में दोनों में सही हो जाता है, जैसे सभी गुलाब पीले हुए निष्कर्ष में कथन में दिया हुआ था, तो कुछ गुलाब पीले हो जाएंगे, ऐसा सही आंसर हो जाएगा, सही कॉन्सेप्ट। सभी गुलाब पीले हैं, सभी गुलाब फूल हैं बोल रहे हैं, पीले नहीं, सभी गुलाब फूल हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ गुलाब फूल लिखा हुआ है, तो कुछ का मामला सेट हो सकता है, सभी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इनकरेक्ट है, तो केवल वन सही होगा, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं पहला सही होगा, केवल वन सही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें यहां से छांटना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन ऑड है, यानी कि कौन विषम है। विषम का मतलब है कि चार ऑप्शन में तीन एक जैसे होते हैं और एक उनमें से अलग होता है। आप देख पा रहे होंगे कि एक वास्तविक है, दूसरा विधि संगत है, फिर ढोंगी है और सांविधिक है। तो वास्तविक का मतलब होता है रियलिटी, कोई झूठ नहीं, एकदम बिल्कुल सच। और विधि संगत का मतलब भी वही मीनिंग निकलता है, यानी कि विधि संगत का मतलब हुआ कि आप बिल्कुल सही बोलिए, विधि के अनुसार सही चीजें बोलिए, संगत बोलिए। और संविधिक का मतलब भी होता है वही चीजें, रियलिटी वास्तविक, लेकिन ढोंगी एक अलग है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ऑड है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा फिगर दिया हुआ है, अब इस फिगर जो है चार ऑप्शन में से किससे प्राप्त होगा। तो ऐसा फिगर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर वन से ही निकलेगा, क्योंकि यहां से ऐसे कटेगा
और यहाँ से ये ऐसे निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर वन से ही ऐसा फिगर निकलने वाला है, तो ऑप्शन नंबर वन से ही होगा। इस क्वेश्चन ये था कि ये जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर चार ऑप्शन में से किससे किसका पार्ट है, किससे निकलेगा, तो इससे निकलेगा क्योंकि देख लीजिए ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ बेस बन गया है और बाकी में ऐसा किसी से नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका वन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को हम पहले आपको बता चुके हैं कि जिसका पूछ रहा है डोसीजर का पूछ रहा है, तो डोसीजर का पूछ रहा है तो हम इसका ऑप्शन से चेक करेंगे कि किसका डी आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर एस आ रहा है। तो चलिए दो तीन में चेक करते हैं, तो दो और तीन डी आ गया, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद ओ चाहिए, पाँच चार तो पाँच चार यहाँ है, पाँच चार में ओ बिल्कुल सही है, सात दस यहाँ है, एस बिल्कुल सही, फिर दो पाँच में देखिए गड़बड़ हो गया क्योंकि डी ओ एस के बाद फिर से एस चाहिए जबकि यहाँ पे आई आ गया, तो ये हमें गलत ऑप्शन मिलेगा। फिर से चेक करते हैं, थ्री टू डी बिल्कुल सही, थ्री फाइव एस डायरेक्ट मिल रहा है जबकि डी के बाद हमें ओ चाहिए, तो ओ तो है नहीं यहाँ पे। यानी कि मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन और बिल्कुल एसएससी में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, इसमें आपको कोई रोल नियम नहीं है, आपको सिर्फ आँख की शक्ति, आँख की पावर होनी चाहिए कि कितना जल्दी आप चीज़ों को जो ऑप्शन दी हुई है उसको मैच कर पाते हैं। तो पहला दूसरा गलत, फिर चलते हैं दो तीन में डी, चार तीन में ई आ जा रहा है, तो ऐसे भी गलत है क्योंकि डी के बाद में ओ आना चाहिए, तो हम तीनों को गलत छांट लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही होगा। आप चाहे तो इसको मिला सकते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और चलिए देखते हैं, इसमें सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन सीरीज वाले ऐसे क्वेश्चन में आपको हम ये बताए थे कि टोटल डिजिट्स को चुन लीजिए खाली स्थान को लेकर कि कितने हैं, और फिर उसको पार्ट्स में तोड़ा जाता है, बांटा जाता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 टोटल 20 हैं। तो 20 वाले को मिनिमम हम लोग जो तोड़ सकते हैं, तोड़ने का आइडिया हम पिछले वाले सेट्स में बता चुके होंगे, तो 20 को तोड़ने का जो कम से कम है वो या तो 4 या तो 5, 4, 5, 20 या तो 4 या तो 5 टूट सकता है, तो हम लोग पहले 4-4 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं इसको, तो 4-4 के फॉर्म में तोड़ें, यहाँ पे 4 बनेगा ऐसे, फिर 4 बनेगा ऐसे, फिर बनेगा ऐसे, जैसे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे, सॉरी 1, 2, 3, 4 हाँ, अब हम लोग 4-4 के फॉर्म में तोड़ लिया है। अब हम लोग को 4-4 के फॉर्म में तोड़ने के बाद यहाँ से देख रहे हैं कि P से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ Q से, और यहाँ फिर से Q से, और यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ हो रहा है Q से भी, और यहाँ भी हो रहा है Q से, तो ये सटीक नहीं बैठ रहा है 4 में तोड़ने पर। अच्छा 5 में देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 में तोड़ते हैं, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये 5 में भी तोड़ने से नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से P से स्टार्टिंग है, तो यहाँ Q और फिर से यहाँ आ जा रहा है Q, फिर से यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो दोस्त हमें ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स हो गई है, इसलिए सीरीज नहीं अच्छा बन पा रहा है, तो ये बुक का जो मिसप्रिंटिंग हो सकती है क्वेश्चन, तो इसको रखा जाए पेंडिंग में क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए ना क्योंकि ये सीरीज नहीं बन पा रहा है कितने में भी तोड़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर मिसप्रिंटिंग हुई है, जो भी प्रिंटर वाले होंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है क्योंकि यहाँ सीरीज बैठ नहीं पा रही है, यहाँ पी से स्टार्टिंग हुई, 4 में भी मैंने तोड़ा, 5 में भी तोड़ा, तो कोई सटीक सीरीज नहीं बन पा रहा है। अगर आप इसको बनाकर देखेंगे, अगर बनेगा तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाँ सर ऐसे बन सकता है, मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं मिस आउट हुई है क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कीजिए, अगर बनता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं बनता तो फिर वही मेरे को इससे भी तो नहीं बन रहा है, मिस प्रिंटिंग कुछ लग रही है, तो बिल्कुल 16 नंबर को आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आप अपने हिसाब से। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जो गोपाल का कोड MIVUR है, राधा का कोड इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन में हमें ये देखा जाता है कि जी के जगह पे एम कैसे लिखा जा रहा है, तो जी होता है नंबर 7 और एम होता है 13, तो 7 में 6 जोड़ रहे हैं तो 13 करेंगे,
अब ओ का नंबर होता है 15 अल्फाबेट में और आई का होता है 9, इसमें से 6 घटा रहे हैं, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा। पी का नंबर होता है 16 और यहाँ होता है भी का 22, तो 16 में 6 जोड़ रहे हैं। तो अब देख पा रहे होंगे कि एक दफ़ा 6 जोड़ रहे हैं, फिर 6 घटा रहे हैं, फिर जो 6 जोड़ रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, फिर 6 जोड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो आर का नंबर होता है 18 और 18 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 24 और 24 नंबर पे होता है एक्स, तो सब में एक्स है। अब ये नंबर ए है और ए में एक है और इसमें से 6 घटाएंगे तो होगा, बोल सकते हैं एक एक है और इसमें से घटाएंगे तो बनेगा 21, तो यू बनेगा टी यू और यू तो दोनों में है। उसके बाद बात करेंगे डी है, तो डी का नंबर 4 है और 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, जो कि जे नंबर आता है, तो इसमें दोनों सेम सेम है। एच का नंबर होता है 8, 8 में से अगर 6 घटाएंगे तो बनेगा बी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। यानी कि हम लोग जैसे इसमें रिलेशन बोल रहा था कोडिंग डिकोडिंग में, वैसे ही काम कर देंगे, 6 जोड़ रहा था, फिर 6 घटा रहा था, फिर 6 जोड़ रहा था, ऐसे करके। तो यहाँ पे वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, वो 18 नंबर ऐसे बोल रहे क्वेश्चन कि यहाँ पे हमें वाट वाट यानी कि इसकी जगह पे क्या होगा, जबकि यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है 121, 81, 49, 100, 64, 36, 15, 16, 25, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा 31, 41। तो हमें ये लग रहा है कि 49 है तो 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो 7, 9, 11, एक एक के गैपिंग के है, ये 6 बनेगा, ये 8 बनेगा, 10 बनेगा, बिल्कुल सही, ये बनेगा 5, ये बनेगा 4, ये बनेगा 15, तो ये तो काम गड़बड़ हो गया दोस्त मेरे, क्योंकि यहाँ सबका स्क्वायरिंग नहीं दिया हुआ है। तो चलिए और कुछ सोचते हैं, ऐसा करते हैं 121 में 49 को जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, 121 में 49 को जोड़ेंगे तो बनेगा 9 × 10 की 16, हाथ में 1, 12 × 4 = 16 और 117, 117 बनेगा, 170 सॉरी। अब 81 को 2 से गुना करेंगे कितना बनेगा, तो 2 × 2 और 8 × 2 = 16, 162। अब 162 में अपने तरफ से 8 जोड़ेंगे तब 170 के बराबर हो जा रहा है। यानी हो क्या रहा है कि ये दोनों को जोड़ने पर जो आ रहा है, बीच वालों को 2 से गुना करने पर 8 जोड़ रहे हैं, 100 में 36 जोड़ेंगे 136। अब 64 गुना 2 कितना होता है, तो ये होता है 128 और 128 में से 8 जोड़ेंगे तो 136 बनेगा, बिल्कुल सही है। 15 और 25 को जोड़ेंगे तो बनेगा 40 और 16 × 32 और 8 = 40, बिल्कुल सही। उसी तरह से यहाँ पे क्या रखेंगे, तो 31 × 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो बनेगा 29 सॉरी 31 × 62, 62 में 8 जोड़ेंगे 70, तो 41 में यहाँ कितना रखना होगा कि 70 बनेगा, तो जी हाँ बिल्कुल 29 रखना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो ये बहुत कठिन था, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में कि हमने क्या हो रहा है, तो हम लोग कैसे लॉजिकली इसको समझना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विषम संख्या को चुनिए। अब विषम संख्या का मतलब तो आराम से है कि जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 रहेगा वो सम होता है, और जिसके अंत में 1, 3, 5 तो होता है विषम, तो ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है कि ये विषम हो। नेक्स्ट बोल रहा है कि गायत्री का जो रिलेशन AAR से है, उसी तरह से पल्लवी का रिलेशन किससे होगा। तो देखिए गायत्री में AAR कहां से आ रहा है, तो दूसरा नंबर, चौथा नंबर, छठा नंबर का यहां लिखा हुआ AAR। उसी तरह से पल्लवी में दूसरा नंबर पे A, चौथा पे L, छठा पे 5, तो ALV हो जाएगा, छठा नंबर पे भी सॉरी। तो पल्लवी में दूसरा, चौथा और छठा देखेंगे तो ALV है, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वालों में से एक ऐना का ऊपर से 18 और नीचे से 39 स्थान है। तो आप बार होंगे ऊपर से 18, नीचे से 39, तो उस टोटल छात्र की संख्या कितना, तो ऊपर और नीचे का जोड़कर एक घटाते हैं, तो कितना बनेगा, ऊपर और नीचे का जोड़ेंगे तो बनेगा कितना, बनेगा 56, 9, 8, 17 में से गया 6 और 5। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि टोटल संख्या तो 56 हो गया एना का, जिसमें जो पास होने वाले थे उसमें, लेकिन 10 परीक्षार्थी नहीं बैठे हैं, तो हो जाएगा टोटल 66,
और बोल रहा है कि चार फेल हो गए हैं, तो हो जाएगा टोटल चार, यानी कि 70, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 70 थी। ये तो पास होने वालों में से था एना का स्थान, यानी कि पास होने वाले विद्यार्थी 56, 10 अब्सेंट थे तो हो जाएगा 66, और चार फेल हो चुके हैं तो 70 टोटल मिलाकर कुल स्टूडेंट थे। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इसमें से भी ऑड चुनना है, जो ऑड का मतलब है तीनों एक जैसा हो और एक अलग हो। क्या हो रहा है, एल एम, देख पा रहे होंगे, एल एम, एम एन ओ, टी यू, यू वी, उसके बाद डब्ल्यू, बिल्कुल सही है। ये दोनों तो सेम से मिल गया, क्योंकि एल से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद एम, और यहां से जो खत्म हो रहा है वही एम एन, और यहां पे ओ, ओ पी, बिल्कुल सही, पी क्यू, और यहां पे आर, बिल्कुल सही, यानी कि तीनों एक जैसा हो चुका है, ओ पी और यहाँ ओ क्यू है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर दूसरा ही टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ विषम चुनना था, जो अलग है उसको चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है बोल रहा है बी सी डी ई, यानी कि हमें यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या लाना होगा, तो यहाँ पे एक एक का गैपिंग अगला अगला है बी सी डी ई, फिर उसके बाद देख रहे हैं एक का गैपिंग, डी ई को गैप किया एफ लिखा, जी को गैप किया एच लिखा, आई को गैप किया जे, यानी कि एक का गैपिंग पे है, यहाँ पे आई से एल आया है, मतलब जे और के का गैपिंग किया है, यानी कि दो दो का गैपिंग करना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे जो यहाँ आएगा, तो यहाँ पर रखेंगे एफ, तभी तो जी एच को गैप करेगा तो आई आएगा, यानी कि यहाँ पे कोई गैप नहीं था, एक गैप मिला, यहाँ दो गैप, ऑप्शन नंबर एफ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमें सब लॉजिकली पीछे वाला देखना पड़ता है कि पीछे वाले में क्या हो रहा है, तो यहाँ 22 है, फिर 22 है, फिर 23 है, हो क्या रहा है, एक एक का थोड़ा सा गैपिंग करते हैं, 22 में तीन जोड़े, फिर 7 घटाए, तीन जोड़ रहे हैं 7 माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे एक माइनस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बन रहा। अच्छा 22 से 20 देख रहे हैं, दो माइनस किए, फिर तीन माइनस करेंगे, फिर चार माइनस करेंगे, तो 17 में से 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 13, तो ऑप्शन नंबर 13 किस में है, तो इसमें बिल्कुल सही है। अभी 10 को देखते हैं कैसे आएगा, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 22 से 3 बढ़ा, फिर 7 घटा, 3 बढ़ा 7 घटा, उसके बाद 1 बढ़ा, उसके बाद कितना घटेगा, तो जब 3 बढ़ा और यहाँ पे 7 घटा, यहाँ पे एक बढ़ा, फिर से 7 घटेगा, चूंकि यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 3 बढ़ना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए 19, तो 16 और 3 19 या 17, इसमें भी लगता है मिसप्रिंट है, क्योंकि 22 और ये 2 कम हुआ 20, 3 कम हुआ, फिर 4 कम करेंगे तो यहाँ 13 तो बनना फिक्स है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा दिख रहा है। अब ये 10 कैसे आएगा, तो 22 3 23, 23 में से 16 7 गया 6, 16 7, 23 में से 7 गया 16, 16 में 1 जोड़ रहे नहीं, चूंकि 3 और माइनस 7, 3 माइनस 7 हो रहा है, तो यहाँ भी मिस्टेक है, लेकिन 1 पकड़ा गया है 13, तो ऑप्शन नंबर चौथा टिक कर देंगे, लेकिन एक और तो कोई ना कोई लॉजिकली सही होना चाहिए। मेरे को लगता है यहाँ 19 होना चाहिए, और 19 में से 7 घटेगा तो यहाँ बनेगा 12, तो ऑप्शन में वैसा है ही नहीं 13 12, तो इसमें भी मिसप्रिंटिंग है, सेकेंड पार्ट वाला नहीं आ रहा है ऑप्शन, लेकिन फर्स्ट वाला आ रहा है, देन हम टिक कर दिए हैं चौथा। इसमें से भी देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा इसको फुलफिल करने का, अगर बनेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो 16 नंबर में भी गड़बड़ी है और 24 नंबर में भी, सीरीज पे नहीं आ रहा है बिल्कुल क्वेश्चन, इसमें तो एक पार्ट्स को पकड़ आ रहा है, दूसरे पार्ट्स नहीं पकड़ आ रही है, तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बनेगा तो बताइएगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट, एक आदमी पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, यहाँ से पश्चिम इधर, तो 10 किलोमीटर चला, फिर आगे बोला क्वेश्चन, फिर दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, तो दाएं ओर मुड़कर ऊपर 4 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर वह बाएं ओर 10 किलोमीटर, तो बाएं ओर फिर से 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वह फिर बाएं 8 किलोमीटर चला, अब यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे आया, बाएं तो इधर होगा ना, नीचे होगा, तो नीचे बाएं 8 किलोमीटर चला, अंततः वह उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, तो उत्तर तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर 4 किलोमीटर चला मतलब अभी यहाँ तक आ गया है, उसके प्रारंभिक स्थिति से क्षैतिज स्थिति के बीच की दूरी कितना है,
प्रारंभिक स्थिति से लेकर क्षैतिज तक की दूरी कितनी है? तो यहाँ से तो यहाँ 10 है और ये तो डिस्टेंस यही आ गया, तो 10 और यहाँ तक हो गया 20, टोटल 20 हो गया। और यहाँ तो 4 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 और 10 20, बस क्षैतिज दूरी का मतलब हुआ कि ये तो डिस्टेंस यहीं का यहीं रहेगा ना, तो 10 और 10 टोटल हो जाएंगे 20, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आज का 25 क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियोस को देखने के लिए। और बाकी जो मिस प्रिंट है, अगर आप उसमें भी उसको भी अगर सही से कैलकुलेट कर लेते हैं, सही से दिमाग लॉजिकली लगा लेते हैं, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।